नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं यहाँ पे एटा क्षेत्र में आया हुआ हूँ और यहाँ पे सामने से जो भाई आपको दिख रहे हैं इनका नाम अरविंद है और पीछे जो आपको थोड़ा सा सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े बड़े बर्तन टाइप के कुछ क्या लगे हुए हैं, क्या ही ये सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक अलग तरह का काम जो हमारे अरविंद भाई करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई आपका हमारी वीडियो में। तो ये क्या आप कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा बताएँ हमें। जी मैं वो खसरू बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी इस टाइम। अच्छा, ये खस होता है जी, जैसे हमने आप अभी देखा था थोड़ा सा वो घास जैसे होता है, जड़ होता है उसकी। जी, जी। तो वो जड़ को हम लोग क्या मतलब कैसे उसको मतलब उसकी भाप निकलती है, कैसे पेरा जाता है उसको। जी जी, तो थोड़ा बताएं शुरुआत से कैसे क्या करते हैं। जैसे वो घास होती है, ठीक है, घास को इन देगों में भरा जाता है। इन देगों के भरने के बाद पानी डाला जाता है। पानी भरने के बाद ये बांस के जो चौके लगे हुए हैं उनको स्टीम द्वारा पानी खींचा जाता है जो रखे हुए हैं। ये लगते हैं नीचे पानी में, ठीक है। ये इसलिए लगाए जाते हैं कि पानी में इसलिए रखे जाते हैं कि ठंडे होते रहें, ठंडे रहे। हाँ जी, ताकि जो भाप आ रही है पानी, पानी बन जाए जल्दी, ठीक है। ये है देख। अच्छा, इसके देख बोलते हैं इसे जी। तो कॉपर की है, प्योर कॉपर की है, ठीक है। कॉपर की इसलिए होती है कि ये ठंडी भी हम जब चाहे इसे ठंडी कर सकते हैं। अच्छा, ठंडी हो जाती है। बनाने के लिए लोहे की भी बना सकते हैं, लोहे की लाल पड़ जाएगी, ठंडी नहीं होगी। सही बात है। इसमें एक से एक कुंटल से सवा कुंटल डेढ़ कुंटल तक जड़ आती है। अच्छा अच्छा, जड़ भरने के बाद ये सील पैक कर रखी है। उसके बाद ये सील पैक करिए मिट्टी लगा के पूरा एकदम, ताकि एयर बिल्कुल लीक। मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, मतलब अच्छा उसमें मिला हुआ है, मिला हुआ है मूर धोनी मिट्टी और टाट, यानी कि बोरी जो होता है सन जो सूत, हाँ बिल्कुल, वो काट काट के उसको, ताकि इसमें से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए। जो लीकेज नहीं होगा तो इसमें ये पाइप लगा हुआ है, इसमें ये अंदर आता है में, इसमें इसमें चला जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, ताकि जो जो भी भाप जाए वो एकदम से ठंडा होकर के चिपक जाए, जो भी हो लेकिन ठंडा हो जाए, वो मतलब वो बन जाए। अच्छा, इसमें ये जो लपेट रखा है ये क्यों लपेटा हुआ है? ये रस्सी इसीलिए लपेटी हुई है, बांस है इसके ऊपर। हाँ हाँ, ये बांस का बना हुआ है। अच्छा, ये बांस का बना हुआ है जी, क्या बात है। बांस का क्यों बना हुआ है ये? बांस का इसीलिए बना हुआ है कि ठंडा रहे, ठंडा रहता है, ठंडा रहे, ऊपर से इसमें पानी भी डाल सकते हैं हम लोग, ताकि ये जो इसमें धागा हमने बांधा है वो इसे, ये इसलिए धागे में लिपटा हुआ है, ये गर्म नहीं होता जी। हाँ, गर्म होके फटेगा नहीं बांस का, इसीलिए है बिल्कुल। दोस्तों देख सकते हैं सारे जो डेग हैं उनमें इसी तरह का प्रोसेस लगा हुआ है, अलग अलग पाइप लगे हुए हैं जो कि बांस के हैं और सारे डेग हैं पानी में डूबे हुए हैं, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। पानी में डूबने का कारण मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये ठंडे रहे और ठंडे होकर के जो भाप है वो एकदम से लिक्विड बन जाए, इसलिए ये पूरे यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग क्यों रखे हुए हैं ये, एक एक और एक्स्ट्रा चेंज होने के लिए? अच्छा, बदलने के लिए। तो ये छह लगते हैं एक बार में, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं, एक जब इसमें एक कुंटल जब इसमें खस भरा जाता है तो उसमें छह देग हमारा लगता है, तो अलग अलग देग इसमें लगा हुआ है। उसके बाद एक में से लगभग आपने 50 ग्राम बताया था, 50 ग्राम कंटेंट निकलता है पूरा, आप देख सकते हैं। छह के बाद फिर हटा के यहाँ गर्म किया जाता है आग पे, यहाँ पे जी। हाँ, आग पे गर्म करने के बाद, हाँ जी, ठंडे वाले को, हाँ ठीक है, ठंडे करके खाली करके, हाँ ये गर्म किया जाता है, क्योंकि साइड से चिपक जाता है, चिपक जाता है वो ठंडा होकर के ना, जैसे मोम चिपक जाता है उस तरह चिपक जाता है। हाँ ठीक है, घी मट्टे में घी निकल, घी निकल जाता है, घी चिपक ठंड में जम जाता है, जम जाता है। उसी टाइप से ये गर्म किए करने के बाद इनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे कारीगर हैं जी जी बिल्कुल, जो ये इनमें से निकलवाते हैं बिल्कुल, इसको छाड़े के तरीके से। हाँ हाँ, तो ये कैसे निकाला जाता है इसको बताएं थोड़ा। अभी दिखा सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये एक इनका जो गर्म किया गया इसको, जो पहले ठंडा था, बोलते हैं भपका, भपका बोलते हैं इसे, बोलते हैं। जी इसको हिला जा रहा है, क्योंकि साइड में चिपक गया वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, और ये एक कपड़ा है इसमें ये हमने डाल के निकाला है, और ये हाथ से ये निचोड़ रहे हैं इसको, निचोड़ते हैं, तो साथ में ये थोड़ा बहुत पानी और थोड़ा बहुत जो मेन कंटेंट है जो हम इसमें निकालना चाहते हैं वो निकल करके आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, मेन चीज यही है इसका। या अच्छा बाबा, थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको हम दोबारा छानेंगे कैसे? इसको आग पर रखें, आग में लगाया जाएगा ये। हाँ हाँ, इसमें से पानी छाटा जाएगा, इसमें से हाथ लगा करके पानी छाटने के बाद गर्म करके तब इसको मतलब जगह पानी अलग हो जाएगा, माल अलग हो जाता है, उसमें से मिट्टी जो गाद निकलती है वो अलग हो जाती है, और जब खस्तो होती है वो साफ हो जाती है। मतलब गर्म करके क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं कैसे? हाथ से उठाया जाता है। अच्छा अच्छा, ऊपर का मोटा मोटा, ठीक है ठीक है, समझ गया। पानी अलग रह जाता है, जितना गर्म होगा नीचे रह जाता है, जितना गर्म होगा उतना ही पानी, जितना गर्म होगा उतना ही पानी छूटता जाएगा इसका। गर्म होने के बाद ये हाथ से उठ के आएगा, हो गया। अब इसमें से माल इस प्रकार से उठाया जाता है। अच्छा, ये इस प्रकार से उठाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पानी, कितने वो हैं यहाँ पे बने हुए,
23 हैं, 23 में टोटल मिला के कितना निकल जाता है लगभग? लगभग अब ये तो औसत के ऊपर है, लगभग 13 चल रही है। हाँ, एक किलो के आसपास निकल आता होगा। ओ जी जी हाँ, तो मार्केट रेट का वो लगभग कितना रहता है इसका? ये तो एंड में पता चलता है, एंड में फिर भी तो भी अंदाजा एक आइडियल कंडीशन एवरेज औसत अभी औसत बनेगा इसका 80 से 90 के करीब, 80-90 हज़ार प्रति के जी, प्रति के जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हालांकि आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है क्योंकि बहुत सारा आपने कंडा है और स्टॉक कर रखा है और लेबर भी काफ़ी दोस्तों देख सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से कितने लोग यहाँ पे टोटल काम करते हैं अरविंद जी? जी हैं 25-30 लोग, 25-30 लोग काम करते हैं जी। और शुरुआत में जब आपने ये लगाया था कितने साल हो गए आपको लगाए हुए? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था लगभग उस समय, कितना लगभग? फिर भी कोई इसकी वो नहीं है, नहीं प्योर कॉपर है। 25 लाख 50 लाख बिना पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। पार्टी बोले तो पार्टी मतलब ऑर्डर पे बनता है जो खरीदने वाली। हाँ अच्छा 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 जी। तो उसके मतलब माध्यम से हमें ये माल लेते हैं जी, वो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं उस तरह से, है ना? हाँ अच्छा, जैसे आप, मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा कि आपके यहाँ पे खेती कितना करते हो आप? खेती नहीं करते हैं, खेती में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा अच्छा, खेती में इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको बिजनेस में था शुरुआत से या? कि मुझे बिजनेस करना है। फिर बिजनेस में इससे पहले कुछ और ट्राई किया था? मेरे पिताजी करते रहे ये वाला काम या? अच्छा, उस मतलब उनका तो बंद हो गया होगा बीच में? नहीं, वो बाहर करते रहे दूसरों के साथ। दूसरों के साथ, उनके पास अनुभव था, एक्सपीरियंस था उनके पास, बिल्कुल बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। तो वो आपने सीखा उनके माध्यम से, और फिर आपने सोचा कि भाई मुझे ये काम करना है क्योंकि पापा ने इससे सीखा है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो और कुछ अगर हम जैसे बताना चाहो अरविंद जी, कि हमारे जो किसान भाई हैं जो हमारे अलग स्टेट से अलग जगह से बिलोंग करते हैं, वो इस तरह का काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं? थोड़ा कठिन है, कर सकते हैं पर थोड़ा कठिन है। उसके लिए अनुभव चाहिए जी, पहले से आपके पास थोड़ा सा पार्टी होनी चाहिए उनके पास। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, वो आपके कीमती समय को हमें देने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे साथ में थे अरविंद जी। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।